झारखंड की सिमरिया सीट चतरा जिले का हिस्सा है। ये विधानसभा सीट चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है। 2000 में झारखंड के नए राज्य के तौर पर गठन होने के बाद इस सीट पर 2005 में विधानसभा चुनाव करवाया गया। 2005 में सिमरिया सीट से बीजेपी के उपेंद्र नाथ दास विधायक चुने गए। 2008 के चुनाव में इस सीट पर सीपीआई के रामचंद्र राम ने कब्जा कर लिया। वहीं 2019 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के जयप्रकाश सिंह यहां से विधायक बन गए। 2014 के चुनाव में भी सीट से झारखंड विकास मोर्चा के गणेश गंजू ने जीत हासिल की थी। यानी 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने जीत हासिल की है। अगर सिमरिया विधानसभा सीट पर वोटरों की कुल संख्या पर नजर डालें तो 2014 के आंकड़ों के मुताबिक यहां वोटरों की कुल आबादी 324,788 है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 171,907 है तो महिला मतदाताओं की संख्या 152,881 है। 2014 के विधानसभा चुनाव में सिमरिया सीट से जेवीएम कैंडिडेट गणेश गंजू ने जीत हासिल की थी। जेवीएम कैंडिडेट गणेश गंजू ने 67,404 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट सुजीत कुमार भारती ने 51,764 वोट हासिल किए थे। इस तरह से जेवीएम कैंडिडेट गणेश गंजू ने बीजेपी कैंडिडेट सुजीत कुमार भारती को 15,640 वोटों की मार्जिन से मात दे दी थी। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मनोज कुमार चंद्रा 26,560 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 2009 के विधानसभा चुनाव में सिमरिया सीट से जेवीएम कैंडिडेट जयप्रकाश सिंह भोक्तो ने जीत हासिल की थी। जेवीएम कैंडिडेट जयप्रकाश सिंह भोक्तो ने 34,007 वोट हासिल किए थे। वहीं जेएमएम कैंडिडेट गणेश गंजू को 25,982 वोट मिले थे। इस तरह से जेवीएम कैंडिडेट जयप्रकाश सिंह भोक्तो ने जेएमएम कैंडिडेट गणेश गंजू को 8,025 वोटों की मार्जिन से मात दे दी थी। वहीं बीजेपी कैंडिडेट सत्यानंद भोक्तो 25,613 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में सिमरिया सीट से बीजेपी कैंडिडेट उपेंद्र नाथ दास ने जीत हासिल की थी। बीजेपी कैंडिडेट उपेंद्र नाथ दास ने 31,885 वोट हासिल किए थे तो सीपीआई कैंडिडेट रामचंद्र को 24,438 वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट उपेंद्र नाथ ने सीपीआई कैंडिडेट रामचंद्र राम को 7,420 वोटों के मार्जिन से मात दे दी थी। वहीं 17,859 वोट लेकर आरजेडी कैंडिडेट योगेंद्र नाथ बैठा ने तीसरा स्थान हासिल किया था। 2009 और 2014 में सिमरिया सीट से झारखंड विकास मोर्चा ने जीत हासिल की थी। 2009 के चुनाव में यहां से झारखंड विकास मोर्चा ने रामदेव सिंह भोक्तो को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने किशन कुमार दास को सिमरिया से चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने सिमरिया सुरक्षित सीट से योगेंद्र बैठा को टिकट दिया है। देखा जाए तो इस सीट पर बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का प्रभाव रहा है। बाबूलाल मरांडी इस सीट पर अपनी पार्टी की ताकत बचा पाएंगे या नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।